राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है एक गीत। गीत का शीर्षक है ठंड सताती है। टर 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 पहचान गए ना किसकी पुकार है? मेंढक की। पर मेंढक की पुकार हमें पूरे साल सुनाई नहीं देती है, आखिर क्यों? आइए सुनते हैं इस गीत में। ला बैठाया आज एक नन्हा सा मेंढक मेरे घर में घुस आया। मैंने उसको अपनी नन्ही कुर्सी पर ला बैठाया। घबराया सा डरा डरा सा घबराया सा डरा डरा सा बैठ गया वो कुर्सी पर। मैंने उससे कहा कि मैं हूँ, मैंने उससे कहा कि मैं हूँ दोस्त, नहीं मुझसे कुछ डर। फिर तो उसने कूद कूद कर घूमा मेरा पूरा घर। हुआ बहुत खुश वो नन्हा सा मेंढक मेरे घर आकर। मैंने उससे कहा कि मेंढक एक बात तो बतलाओ, क्या है इसमें भेद जरा सा मुझको भी तो समझाओ। सर्दी में गर्मी में सर्दी में गर्मी में तुम सब हो जाते हो जैसे गुम। वर्षा में जब बादल आते वर्षा में जब बादल आते तभी नजर आते हो तुम। मेंढक बोला मेंढक बोला सर्दी में तो हमको ठंड सताती है। सर्दी में कुछ भी करने की हमको आफत आती है, इसीलिए हम भूल सभी कुछ सर्दी भर सो जाते हैं। जब सर्दी कुछ कम हो जाती तब ही बाहर आते हैं। अच्छा, गर्मी वैसे ठीक ठाक है, इतनी दिक्कत नहीं हमें, इसीलिए गर्मी में तो हम आते रहते नजर तुम्हें। बहुत तेज गर्मी भी लेकिन हमको नहीं सुहाती है, तब भी हमको आलस आता और नींद आ जाती है। सबसे अच्छी सबसे प्यारी हमको लगती बरसातें, तब हम खूब नाचते गाते और खूब करते बातें।
यही नहीं हम इन्हीं दिनों में, यही नहीं हम इन्हीं दिनों में अपना ब्याह रचाते हैं। टर टर करके हम मित्रों को, टर टर करके हम मित्रों को अपने पास बुलाते हैं। बरसातों में तो हम सब कुछ ज़्यादा जश्न मनाते हैं, इसीलिए बरसातों में कुछ ज़्यादा ही दिख जाते हैं। बरसातों में तो हम सब कुछ ज़्यादा जश्न मनाते हैं, इसीलिए बरसातों में कुछ ज़्यादा ही दिख जाते हैं। अच्छा? इसीलिए बरसातों में कुछ ज़्यादा ही दिख जाते हैं, इसीलिए बरसातों में कुछ ज़्यादा ही दिख जाते हैं। ठंड सताती है, अभी आप सुन रहे थे ये गीत। विषय संयोजन डॉक्टर रचना गर्ग, आलेख डॉक्टर रंजना अग्रवाल, संगीत संतोष कुमार, गायन स्वर मेघा और देवाशीष, तकनीकी निर्देशन सतीश लाडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो।